तो जो है ये वाला माइक ही जो है ख़राब निकला, तो जब से मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ मेरे आईफोन में तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, द फाइनली वेट इज ओवर, आ चुका है हमारा नया माइक जो हम लोग अनबॉक्स करेंगे। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी होगी तो जो मेरा माइक खराब हो गया था, तो हमने नया माइक ले लिया है 10 दिन बाद। तो गाइस चलो इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसा वाला पार्सल मिला है जो बहुत ज़्यादा फाइन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे। तो इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। इनको जो टेप्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ तो गाइस, ये रहा हमारा लेटेस्ट माइक, आपको मैं आगे दिखा दूँ। हाँ तो इसको रखते हैं हम लोग साइड में। ये रहा हमारा बोया का माइक, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते होंगे। बोया BY MM1+ है जिसका मॉडल है, और यहाँ पे जो है थोड़े स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इस बार मैंने शॉटगन माइक या फिर वैड माइक लिया है, आपको क्यों आपको जो है मैं आगे बताऊंगा। और जो ये रहा सुपर कार्डियोइड कंसीडर शॉटगन माइक। तो चलो गाइस इसको ओपन करते हैं, यहाँ से जो है इसको ओपन करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई भी सील वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है, इसको जो है ऐसे ही हम लोग इस तरीके से खोल लेंगे। हाँ तो ये रहा हमारा माइक भैया। हाँ तो इसको ऐसे, हाँ इसको ऐसे करने के बाद तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलता है हमारा शॉटगन माइक। और ये रहा, पहले हम लोग जो है इसको देख लेंगे। ये हुए थोड़े केबल्स जो कैमरा में लगते हैं और मोबाइल फोन्स में लगते हैं। यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये लगता है मोबाइल फ़ोन में और ये लगता है कैमरा में। हाँ ये लगता है कैमरा में और ये लगता है मोबाइल फ़ोन में। और ये रहा एक पाउच जो हम लोग जो इस वाले माइक को कैरी कर सकें। ये रहा पाउच, और यहाँ पे है बोया की ब्रांडिंग, और यहाँ पे है एक बोया का एक सर्टिफिकेट क्वालिफाइड। हाँ कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो क्वालिफाइड है, इसलिए एक सर्टिफिकेट है। और ये है सिलिका जेल, और ये रहा हमारा होल्डर जो हम लोग शॉटगन माइक को होल्ड करते हैं। अभी इनको सबको रखते हैं साइड में। तो लास्टली ये रहा हमारा बोया का स्टिकर्स जो बहुत ज़्यादा कूल है, एप्पल जैसे। तो ये रहा हमारा फाइनली ये रहा माइक, इसको भी रखते हैं हम लोग साइड में। इसको मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँ एक बार, थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है ये, इसको धीरे से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फटना जाएगा इस। हाँ तो गाइस ये रहा हमारा माइक जो है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये जो है नया वाला वर्जन है M11+ का। तो यहाँ पे जो है दो केबल्स के भी दे रखे हैं हमें, जो है हम लोग जो है इसको सुन भी सकते हैं कि कैसा हम जो आउटपुट आ रहा है। तो गाइस ये रहा बोया। तो गाइस चलो इसको स्विच करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। पहले जो है हम लोग इसको अटैच कर लेते हैं। इसको अटैच कैसे करते हैं आपको वो भी मैं एक बार दिखा दूँ। ये जो है आपके ट्राइपॉड में यहाँ पर जो है व्लॉगिंग के लिए अटैच हो जाएगा। तो गाइस ऐसा है कि ये जो माइक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो माइक है जिसको मैंने इस वाले कनेक्टर से एप्पल को जो कनेक्ट किया है, मैंने जो ओरिजिनल वाला लिया था, जिससे आप लोगों को पता होगा मैंने ओरिजिनल वाला लिया था क्योंकि ये कनेक्ट हो जाए तो जो है ये वाला माइक ही जो है ख़राब निकला। तो जब से मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ मेरे आईफोन में तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ये। और जो है मैं सोच रहा था कि आईफोन में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो मैंने जो है अपने एंड्रॉयड वाले फ़ोन में भी जो है इसको लगा कर देखा तो ये भी जो है अपना वॉइस जो है कैप्चर नहीं कर रहा था। तो गाइस मुझे कंफर्म नहीं है कि ये ख़राब हो गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग पता होगा तो आप लोग बताना, मेरा हो गया गाइस पोपट। ये माइक था गाइस 2000 रुपीज़ का, और जो लाइटनिंग कनेक्टर था जैसे आपको मैं दिखा दूँ, ये जो लाइटनिंग कनेक्टर था वो था 900 रुपीज़ का। और गाइस ये हो तो गाइस सारा बेकार गाइस, अभी जो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। तो गाइस मैंने जो है 10 डेज जो है इसके लिए वेट किया था, क्योंकि माइक आया मैं चैलेंज शुरू करूँ, जिससे आप लोगों को पता होगा कि मैं 100 डेज चैलेंज शुरू करने वाला था। आप लोग जो है मेरे पुराने वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा। अब गाइस मेरा 100 वीडियो चैलेंज गाइस फिर से रह गया अधूरा। गाइस पता नहीं, मेरे पास अभी शब्द नहीं है मैं क्या बोलूं। तो गाइस अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऐसा जो है मेरे साथ एक बार नहीं दो बार हो चुका है। जो है मैंने एक 1 ईयर एगो जो है मैंने ऐसा ही माइक बुक किया था, बोया MM1, हाँ इसका जो मॉडल नंबर था। और गाइस वो भी हुआ था ऐसे ऐसे ही गाइस मेरा, जब ये पार्सल आया, जब मैंने कनेक्ट किया तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि कोई मुझसे कोई कुछ गलती हो रही कनेक्ट करने में, या फिर जो है ये माइक ही ये फिर से जो है मेरे साथ
कोइंसिडेंटली ये जो है ख़राब निकला है मुझे, तो अभी जो मैं इसको पहले रिटर्न करूँगा और इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा गाइस, एप्पल का लाइटनिंग टू हेडफोन जैक एंड ये वाला कनेक्टर गाइस सारा पोपट हो रहा है गाइस आज। सो गाइस एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि ये वाला जो माइक सच में ख़राब है, एक बार मैं आपको लगा के दिखा दूँ। एक बार मैं अभी जो है आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो मेरा फ़ोन के माइक है, मैं इसको जो अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कनेक्ट करते हैं गाइस। अच्छा गाइज मेरा पार्सल डे, तो गाइज आ चुका है मेरे पास फिर से एक नया पार्सल। आप लोग बोलोगे कि भाई कितने पार्सल्स आपके पास आते हैं, तो जो आप लोगों ने कल की वीडियो में जो मेरा पार्सल देखा था अजियो की तरफ से जो शू आया था उसको मैंने जो है रिटर्न कर दिया था, क्योंकि जो है वह जो साइज है मेरा फिट नहीं हो पा रहा था, तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया और मैंने जो है दूसरा वाला जो है शू ले लिया। तो आपको मैं जो है इसको अनबॉक्स करके एक बार दिखा दूँ, कुछ ऐसी ब्रांडिंग में ऐसी पैकेजिंग में देखने को मिला है। और जो है ये वाला कैंपस का आर्टिकल है और ये रहे हमारे शूज, मैं दिखा दूं गाइस, ये रहा हमारा ब्रांड न्यू कैंपस का नया वाला आर्टिकल, इसका नाम है योगा फ्लेक्स। और सही में गाइस ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ही है, फ्लेक्सिबल है गाइस ये वाला। और ये वाला जो है लेडीज शूज़ है, जो है मैंने अपनी बहन के लिए ये वाला जो है शूज लिया है। और यहाँ पे जो आपको मैं एक बार फॉर्म दिखा दूँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाना, थोड़ा जूम कर दो, हाँ यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंपस मेमोरी टेक लाइट, क्योंकि जो है ये जो है बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट है फॉर्म है यहाँ पे। सो हे गाइस आप जो ऑडियो अभी सुन रहे हो वो ये वाले माइक से रिकॉर्ड की गई है। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं कि जो मैंने इसका सवेरे अनबॉक्सिंग किया था आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो माइक है वो ख़राब हो गया है, और थोड़े जो है वीडियोस देखने के बाद जो है ये वाला माइक अभी फाइनली काम कर रहा है। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, एक बार मेरी आप लोगों ने सुना हुआ आवाज़, तो आवाज़ अभी अच्छे से आ रही है। तो आप लोगों ने जो है ये वाले शूज भी आप लोगों ने देख लिए, अगर गाइस आप लोग कोई शू लेने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस आज जो है बहुत छोटी वीडियो बनी है क्योंकि आज का कोई टॉपिक नहीं था हमारा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मिलता हूँ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए।